इस वक्त मैं पुलवामा में हूँ और यहाँ पर यहाँ के नगर सेवक साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कुर्बानी का जो मसला है, कुर्बानी के मामले जो बकरों की जो फ्री चेकअप रखा गया है, उस चेकअप के तालुक से यहाँ पर आइए से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। यहाँ पर आज कोनार मॉल के पास में जो आपको मंडप दिख रहा है, इस मंडप पे प्रभाग क्रमांक 26 और प्रभाग क्रमांक 27 यहाँ के कोंडवा और कोंडवा परिसर के जितने भी कुर्बानी के लिए जो लोगों ने बकरे खरीदी की है, कुर्बानी के लिए अभी भी वक्त है। कुर्बानी के पहले तक यहाँ पर जो बकरे लाए गए हैं लोगों ने कुर्बानी के लिए, वो कुर्बानी के बकरों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप यहाँ होने जा रहा है। कल से यहाँ सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ पर महानगर पालिका के डॉक्टर रहेंगे और वो डॉक्टर आपके बकरों को चेकअप करके और जो दवाई देना है वो दवाई यहाँ मुफ्त मिलने वाली है। बराए मेहरबान सभी कोंडवा वासियों से मेरी गुजारिश है कि ईद उल अज़हा के लिए जो आपने जो बकरे लाए हैं, बकरे अगर बीमार गिरते हैं तो उसके लिए यहाँ फ्री मेडिकल चेकअप रखा गया है। एक ही दिन है क्या ईद तक है? इससे ये जो फ्री मेडिकल चेकअप है ईद तक रखा गया है, बिल्कुल एक दिन के लिए नहीं। मेरे भाइयों, अपने बकरे के तालुका से गौर फिक्र करते हुए यहाँ पर फ्री मेडिकल रखा गया है और यहाँ का इससे फ़ायदा हासिल करें, यहाँ के हमारे वॉलंटियर से रब्ता कायम करें। ये कोंडवा वासियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है और सवाब जारिया। जैसे कि और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो कुर्बानी की जो बकरे देती है बहुत सारे उसमें मसले मसाइल है इस्लाम में, तो वो ज़रूरी है कुर्बानी के लिए, इसलिए वो ज़रूरी है। जो बकरे बीमार पड़ते हैं यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ यहाँ के लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अपन इतने महंगे और हालांकि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम जिस तरह से साफ़ सुथरा अच्छा जिस तरह से इस्लाम में बताया गया है, इस तरह के बकरे तो ये जगह बदलने के बाद में एटमॉस्फेयर बदल हो जाता है, वातावरण बदल हो जाता है, तो बकरे नाजुक से बीमार गिरते हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ ये फ्री कैम्प रखा है हमने। यहाँ पर कोंडवा पे फ्री चेकअप रखा गया है, इससे एक दिन पहले तक यहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर फ्री कैम्प रखा गया है।